गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, 1 to 10 जो नंबर्स नेम दिए थे वो और गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। जो 1 to 10 जो नंबर्स दिए थे मैंने कल, वो सबको याद रहना ना बेटा, ऑल स्टूडेंट को। हिंदी काउंटिंग में भी थे ना 1 to 1 2 3 4 वो वाले, ठीक है ना? हाँ, आप देखो सेकंड यूनिट में हम जो थर्ड यूनिट है हमारी, वो सेकंड कंप्लीट हो गई। अब थर्ड यूनिट है नंबर्स अप टू 20। अब कौन से नंबर करेंगे? 20 तक नंबर्स नेम करेंगे। अब देखो पेज नंबर 18 में, देखो अपनी बुक में रीड द नंबर क्लाउड अराउंड, है ना? आपके यहाँ क्लाउड है, उसमें देखो 11, 12, 13, 14, 15 देखो बुक में, फिर है 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है? वापस से रीड करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है? अब देखो, अब आप अपनी नोटबुक ओपन करो। सेकंड पेज पे क्या है, 19 वाले पे काउंट द ऑब्जेक्ट। देखो नेक्स्ट पेज में हमने एक्सरसाइज में हमने काउंट के कहां तक के दिखे थे, 1 to 10 तक। अब कहां से करेंगे, 11 to 20। काउंट द ऑब्जेक्ट देन रीड द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम। अब जो रिंग दे रखी है, क्या दे रखी है वहां पे, रिंग दे रखी है, देखो हाँ, उसको आप काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की है वो कितनी है हमारी, 11। जब आप बेटा क्वेश्चन करो तो उस पे ऊपर हेडिंग डाला करो। आपको आज क्या हेडिंग डालनी है, नंबर अप टू 20, ठीक है? अब क्या लिखा, रिंग कितनी है हमारी, 11। तो क्या लिखेंगे, ELEVEN। साथ में नोटबुक निकाल लो, 11। अब 11 को हिंदी में क्या कहेंगे, है ना? हिंदी में उसको क्या कहेंगे हम, 11 है। हाँ जी 11 है, लिखो इसको आप अपनी नोटबुक में। मैडम की तरफ देख ले, चलो यहाँ लिखो 11। 11 है ना, 11 का मतलब क्या हो गया, 11 है। यानी बेटा आपको हिंदी जो काउंटिंग है वो भी आनी है, ठीक है? साथ में तो कैसे लिखते हैं, उसके बाद क्या है, फ्लावर्स लिखे ना, फ्लावर्स है वो क्या है, काउंट करो कितने हैं, 12 है। कितने हैं, 12 है, TWELVE, 12। 12 का मतलब हिंदी में क्या करेंगे उसको, 12 है। 12 12 नहीं, 12 है, है देखो बेटा बाद में लास्ट में 12 है, ठीक है? अब है स्पिनिंग टॉय, जो घूमने वाले टॉय नहीं होते क्या, वो वाले कितने हैं हमारे, 13 है। 13 हाँ, पहले हम लिखेंगे 13, TheIRTEEN, 13, TheIRTEEN, 13। तो कैसे लिखेंगे इसको, 13 है, है ना, 13 है। लिखो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में। मम्मी वैसे ही लिखना कैसे, वो जैसे पहले था वैसे लिखना। उसके बाद में है बैट्स, BATS, बैट कितने हैं, 14। तो मीनिंग क्या लिखेंगे, FOURTEEN, 14। 14 का क्या हो जाएगा, 14 है, लिखो साथ में सुंदर सुंदर लिखो। फिर आइसक्रीम कोन,
आइसक्रीम कौन कितने हैं? देखो काउंट करो बुक में, आइसक्रीम कौन कितने हैं इसमें? 15 कितने हैं? 15 हाँ जी। तो यहाँ मीनिंग क्या लिखेंगे हम? F I F T E N, F I F T E N, 15। 15 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 15 है। देखो पैक के ऊपर आपको अनुस्वार लगाना है, है ना? अनुस्वार लगाना है और नीचे द के नीचे जैसे द लिखा है तो द के नीचे क्या करना है आपको? र लिखना है। द के नीचे क्या लिखना है? र। तो ये क्या बनेगा? 15 है, 15 है, राइट किया आपने। रिंग कितनी है हमारी? 11 यानी 11 है। उसके बाद है फ्लावर्स कितने हैं? 12 TWELVE 12 यानी 12 है। उसके बाद क्या है? स्पिनिंग टॉय 13 यानी 13 है। बैट्स BATS बैट्स कितने हैं? 14 है ना, 14 यानी 14 है। उसके बाद है आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन कितनी है हमारी? 15 है। अब लिखेंगे हम पेंसिल, अब यहाँ पे 16 नंबर पे क्या आई है हमारी? पेंसिल। पेंसिल्स कितनी है इसमें? 16। तो S I X T E N 16 यानी 16 है। चीज है 17 S E V E N T E N यानी 17 है। सह लिख के पित्र और फिर है, 17 है। अब है लीव्स यानी पत्तियां है ना, उसमें काउंट करो कितनी है। लीव्स है इसमें 18, कितनी है? 18 EIGHTEN 18 यानी 18 है। ए फिर ठा पे आ की मात्रा फिर रे, 18 है। लिखो 18 है। फिर है इसमें कैंडल, क्या है? कैंडल है इसमें। कैंडल कितनी है? 19 N I N E N I N E फिर T डबल E N 19 यानी 19 है ना। U फिर आधा ने, फिर क्या आएगा इसमें? पूरा ने, ने पे बड़ी की मात्रा है ना, 19। लिखो 19। सोमे अपना काम करो बेटा, बैठ के फोन लेके घूमो मत। सोमे नोटबुक में काम करो बेटा। अब कितने हैं हमारे जो निप पेन है, है ना? निप पेन कितने हैं? 20 फिर TWENTY 20 का मतलब हो गया 20। 20 का मतलब क्या हो गया? 20। अब इसमें 20 लिखो। लिखे 20 तक, 11 टू 20, वंस एंड टेंस, पेज नंबर 20।
आप पेज नंबर 20 ओपन करो। पेज नंबर 20। वंस एंड टेंस आर द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। जो वंस और जो टेंस होते हैं, देखो मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। आ रही है क्या? देखो बेटा अब देखो पेज नंबर 20 में वंस एंड टेंस। देखो वन से लेके जो 9 तक नंबर नेम करे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। ये सारे नंबर किस में आएंगे बेटा? वंस में आएंगे, क्योंकि डिजिट क्या है? ओनली 1। अब देखो एक और नाम लिखो आप। 0 0 का मतलब क्या होता है? शून्य। 0 और डालो आप। है ना, 0 की ओर लिखो आप। वंस एंड टेंस आर द प्लेस वैल्यू लिखा आपने ऑल स्टूडेंट ने। ये आपको 1 to 10, 20 तक जो हिंदी में और इंग्लिश में आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए बेटा ऑल स्टूडेंट को। अब पेज नंबर 20 पे देखो क्या लिखा हुआ है। वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना आज थोड़ा सा ही ओपन कर दिया कल का। अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना हुआ है, बुक में देखो बॉक्स है ना। अब इसके हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, उसके बाद आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है बेटा। अब देखो 1 से लेके 9 तक जो नंबर है वो क्या है? सिंगल है, यानी उनको क्या कहेंगे हम? वंस कहेंगे। क्या कहेंगे? वंस है। उसके बाद में जहाँ 10 आ गया वहां से 2 डिजिट स्टार्ट हो गई, तो वो क्या हो गया? हमारा टेंस हो गया, है ना। यहाँ 1 से लेके 6 तक क्या हो गया? वंस नंबर है। उसके बाद 10 से क्या स्टार्ट हो गया? टेंस। तो यहाँ हमने लिखा 1 और यहाँ लिखा 0। इसका मतलब ये तो क्या है? सिंगल है। 0 क्या है? सिंगल है। तो ये हमारा हो गया वंस। अब वंस और टेंस यानी 2 डिजिट आ गई। डिजिट कितनी आई? 2 आ गई। तो ये क्या बन गया? हमारा टेंस। यानी जहां पे 2 डिजिट आ जाती है वो क्या होता है? टेंस होता है। और ओनली 1 डिजिट होती है जब कहां क्या आएगा? वहां पे वंस आएगा। 10 मैक 10 वंस मैक 1 10, है ना। तो इसमें देखो अब आप नीचे जो बॉक्स बने उसमें देखो 11 लिख रखा है, तो ये क्या है? यहाँ पे 11 है, तो ये किस में आएगा? वंस में आएगा। और ये किस में आएगा? टेंस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या करा इसमें, ये 11 कैसे बना? अब देखो 11 बना कैसे? क्योंकि हमने क्या करा कि जो 10 था, जो टेंस था, उसमें हमने 1 को प्लस कर दिया, है ना। 11 कैसे बना? क्योंकि हमने जो 10 था उसमें 1 को प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया? 11। अब यहाँ पे जो 10 है उसमें हमने 2 को प्लस कर दिया, तो क्या बना? ये 12 बना। यानी 10 में हमने 2 को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? हमारा 12 बन गया। तो ये डिजिट किस में आएगी सारी? ये डिजिट आएगी हमारी टेंस में। आया समझ में? अब आपको ये पूछा जाए कि 15 में आपको वंस और टेंस बताना है, तो क्या बताओगे? जो 5 है वो क्या है? हमारा वंस नंबर है, है ना। और जो 1 है वो किस में आएगा? टेंस में। कैसे बना?
क्योंकि हमने 10 में क्या ऐड कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, 10 में हमने 5 को ऐड करा तभी तो क्या बना हमारा 15। ओके स्टूडेंट, आई एक्स विद मी। अब एक्सरसाइज देखो 3.1। अब पेज नंबर 14 पे आओ। अब सर्कल द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर का मतलब क्या बताया था मैंने, छोटा नंबर। नंबर्स नेम याद करते हो तो उसमें आपको ये जीरो वाला नंबर भी क्या करना है, लर्न करना है, यानी इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है, ZERO, जीरो यानी शून्य। मामा इक्वल कैसे करना है? मैं बताती हूँ। एक्सरसाइज 3.2, सर्कल द स्मॉलर नंबर। कैसे, क्या है इसमें? सर्कल द, कौन से नंबर पे हमें सर्कल करना है? स्मॉलर नंबर पे। स्मॉलर नंबर पे सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे देखो 11 है और एक क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, ठीक है। वन बॉक्स में देखो, बुक में आपके दूसरे बॉक्स में 19 और क्या है, 14 है, 15 एंड 11, 12 और 14, 12 और क्या है, 14, 19 एंड 5, 14 वाला नंबर को सर्कल करना, 6 एंड 11, ठीक है। अब हमने राइट कर लिए। अब वो कौन से नंबर पूछ रहा है हमसे? स्मॉलर, छोटा है। मतलब मैंने क्या लिखवाया था, छोटा नंबर। अच्छा, का मतलब क्या था, बड़ा नंबर। अच्छा, बोला लगा दो। अब देखो अब ये वाला, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, वो क्या पूछ रहा है, सर्कल द स्मॉलर नंबर। आपको सर्कल करना है कौन से नंबर। मैम सबके माइक म्यूट करवाइए, आवाज नहीं आ रही है। तो पहले 90 टाटा के म्यूट करो बेटा तनिषा। अब देखो इसमें सर्कल द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का मतलब छोटा बताया था, ग्रेटर का मतलब बड़ा या बिगर नंबर, ठीक है। अब इसमें से हमें स्मॉलर नंबर देखना है। ये तो क्या है 11 और ये क्या है 18, तो स्मॉलर नंबर कौन सा बना, 11 क्या है हमारा यहाँ पे स्मॉलर नंबर, देन किससे, 18 से बड़ा है, 18 से क्या है ये छोटा है स्मॉलर नंबर। उसके बाद ये आ गया 19 एंड 14, तो ये क्या आ गया हमारा स्मॉलर नंबर। सर्कल बनाओ बेटा आप, 15 एंड 11, तो यहाँ आ गया हमारा 11। अब यहाँ है 12 और 14, तो स्मॉलर नंबर क्या आया, 12, क्योंकि 12 हमारा पहले आता है। जब हम काउंटिंग लिखते हैं तब क्या है, ये पहले नंबर आता है, 14 बाद में आता है। जो पहले आता है उस नंबर से वो हमारा स्मॉलर नंबर होता है, और जो उस नंबर से बाद में आता है वो ग्रेटर नंबर होता है। अब 19 एंड 5, तो स्मॉलर नंबर हमने पहले काउंटिंग में क्या लिखा, हमने 5 लिखा, तो ये हमारा स्मॉलर नंबर। अगर वो ग्रेटर नंबर पूछ रहा है या बिगर नंबर पूछेगा तो किस पे सर्कल लगाएंगे हम, 19 पे, ठीक है। अब 14 एंड 10, तो किस पे आ जाएगा, 10 पे। 6 और 11, तो किस पे आएगा, 6 पे। सर्कल बनाओ अपनी बुक में, पेज नंबर 21। अब देखो नीचे क्या पूछ रहा है, कलर द फ्लोर ऑफ बिगर नंबर। उस फ्लोर पे आपको कलर करना है जो क्या है, बिगर यानी बड़ा नंबर है जिसपे, ठीक है। ये 3.1 है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कलर द फ्लोवर ऑफ बिगर। बिगर नंबर पे हमें क्या करना है, कलर करना है। अब देखो यहाँ पे फ्लोर बना हुआ है,
तो फर्स्ट पे क्या है 16 है, फिर यहीं पे एक और बना है, इस पे क्या है 12 है। अब बिगर यानी 12 को 12 के बाद ही क्या आता है 16 आता है, है ना, ये आफ्टर नंबर है, यानी इसका मतलब ये क्या है हमारा बिगर नंबर हो गया और ये क्या हो गया हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में कौन सा हमें पूछ रहा है, वो बिगर नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे वो स्मॉलर नहीं पूछ रहा है। अगर बिगर पूछता है जब तो क्या करना है आपको उस पे लगाना, इस पे लगाना है, तो इस पे आपको क्या करना है कलर करना है, है ना, बिगर नंबर पे क्या करना है आपको कलर करना है, जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप उसमें कर देना बेटा। उसके बाद है इसमें सेकंड में सर्कल बना, अब क्या है 11 एंड 14, तो कौन से पे आपको कलर करना है, बिगर पूछ रहा है, इसका मतलब आपको 14 वाला जो फ्लोर है उस पे क्या करना है, उस पे क्या करना आपको कलर करना है। एट एंड 18, तो कलर किस पे होगा, 18 वाले पे आपको कलर करना है, 8 एंड 18 लिखा है तो किस पे कलर करना है आपको, 18 वाले पे कलर करना है। तो यहाँ आ गया हमारा 8 और इस पे क्या आ गया 18, तो बिगर नंबर कौन सा हो गया, 8 है कि 18 है, बिगर नंबर हो गया हमारा 18, तो इस पे आपको कलर राइट करना, ठीक है ना। फिर है हमारा नेक्स्ट वाला 20 एंड 16, तो यहाँ लिखा हमारा एक है 20 और यहाँ पे 16, तो कलर किस पे करेंगे, बिगर नंबर कौन सा हो गया हमारा 20, तो इस पे हम क्या कर देंगे कलर कर देंगे। आप पेज नंबर 22 देखो, पेज नंबर 22, रीड द नंबर्स एंड ड्रॉ योर फेवरेट आइटम इक्वल टू नंबर वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, ड्रॉ करनी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, जो भी पिक्चर आपको आती है वो उसमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। देखो फर्स्ट वाले में फ्लोर बना रखे उसने, मैम यस बेटा एक्सक्यूज मी मैम,